तो गाइस अभी सुबह सुबह हम बनाने वाले हैं आज चिल्ले खाने के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पर बैटर तैयार कर दिया है आटे का, और यहाँ पर तवा भी लग चुका है। तवे पे थोड़ा सा घी लगाना पड़ता है। घी भी है मेरे साथ में यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बन रहा है ये बन रहे हैं चिलड़े। आप इनको चिलड़े बोलते हो? हाँ चिलड़े बोलते हैं। डालो डालो इधर एकदम से पतला डालो, इसमें एक ऐड कड़छी कर डालो पूरी ऐसे इस तरह से डालना है। देखिए डाल के तवे को हमने ऐसे घुमाना है पूरा ताकि पतला बने। अब कर दो साइड कड़छी। ऐसा करने के बाद इसको यहाँ रख देना है फिर से, थोड़ा सा गैस ज़्यादा कर देनी है। इससे नहीं सब चिमटे से करो, इससे नहीं होगा। रुको रुको अभी कच्चा है, कच्चा भी रुको, कच्चा है कच्चा। तो ये देखिए हमारा चिल्ला बन चुका है। जल्दी जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट। चिल्ला बोलते इसको हम। और मैं इनके साथ हूँ, हम दो दो कुक बने हैं सुबह सुबह। चिलड़े को खाने में भी अच्छे होते हैं ये, हेल्थ के लिए ज़्यादा भारी नहीं होते। सुबह सुबह खाने को बढ़िया। जी अभी नहीं फिर से लगाते एक बार। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और प्यारी सी सुबह हो चुकी है और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं हूँ घर पे अकेली, और वो भी गए थे काम से, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और मैं ना घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी अभी तक, और अभी मैं फ्रेश हुई हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी गाइज आज के दिन अकेली हूँ, और आजकल ना मैं घर पे ही होती हूँ क्योंकि अब मैं शॉप नहीं जाती हूँ। शॉप पे पूजा होती है और मेरे से जाके नहीं होता शॉप में, थोड़ा सा सफ़र करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी की वजह से। तो गाइज अभी ना मैं घर पे हूँ, थोड़ी देर में आएगी यहाँ पर लड़कियाँ जो पिछली बार आई थी, मन्नू शालू वगैरह रजनी वगैरह। तो शालू की शादी है तो उसको फेशियल करना रह गया था, तो अभी वो करेगी फेशियल। तो एक दो दिन में, 2-3 दिन या 4 दिन बाद उसकी शादी है, तो वो आएगी आज यहीं पे, तो यहीं पे उसका फेशियल करूँगी मैं। और अभी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर यहाँ वो आएगी तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। तो चलिए गाइज करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक शेयर करो वीडियो को ना। ये मेरा किचन होल्डर जो है यहाँ से गिर चुका है, और इसको मैं अभी ना डबल टेप लगा के, जो ये वाला हैंगर है इसको इस दोबारा से चिपका देती हूँ। तो चलिए काम कर लेती हूँ पहले। अब देखिए मैंने मंगाई थी इस तरह की ये डबल टेप, तो इससे जुड़ाऊंगी मैं उसको। ले लिया मैंने सीजर, वो देखिए इस तरह का हुक है, ये निकल चुका है तो इसमें लगाऊंगी अभी टेप। हेलो गाइस अब वो अच्छे से चिपक चुका है, और मैंने यहाँ से कीज भी लटका दी है। गाइस अभी देखिए सनराइज भी हो रहा है, और अभी देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे बुला रहे थे। ओ हो इतने बड़े बड़े ऐसे दिखा दो उठा के, कितने बड़े हैं ये। ओ देखिए टूट गया ही तो। ओहो इतना बड़ा। तो अभी इसको द्राट से काट के इनको ले जाएंगे, गाय में है जो रोड पे गाय होती है उनके लिए ले जाएंगे इनको ताकि वो खाए। रोड पे बहुत सारी गाय है हमारे, वो गाय खा लेगी सारा। क्या लगा था वहां पर खेत? थोड़े छोटे पीस करो, इतने बड़े बड़े नहीं खा पाएगी वो। अरे खाते हो? सख्त हो गए ये, इतने कहाँ इतने बड़े बड़े। ये दोनों ठीक है परे वाला ही ना? हाँ खराब हो गया, ये था ठीक भी थोड़ा कोफ्ते बनाने को। देखिए गाइस कितनी अच्छी धूप लग रही है, जय हो सूर्य भगवान जी। इनको मिला है एक बोरू, तो ये सारे टुकड़े डालेंगे अभी बोरू में,
बहुत ही बड़े बड़े से टुकड़े हैं, तो अभी डालेंगे इसको सबको बोरू में और लेके जाएंगे नीचे रोड में गाय के लिए। एक देखो यहाँ का मौजा है, यहाँ से देखिए हमारे कद्दू वगैरह की घिये की बहुत सारी बेलें लगी हुई है जहाँ से ये निकले हैं इतने बड़े बड़े से घिये। बाय, अभी ये लेके जा रहे हैं। कहाँ रखेंगे आप स्कूटी के अंदर बोरू? फटाओ, अभी आएगा काम ही है तरपाल बनाने के। चल पड़े हैं, बाय बाय। तो गाइस सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने किया रेस्ट, तो अभी ना 12 बज रहे हैं, तो मुझे अब बनाना पड़ना अपने लिए कुछ खाने को लंच में। और मैं अकेली हूँ अभी, अभी तक कोई भी नहीं आया, मन्नू वगैरह भी नहीं अभी तक आया है, तो मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ अपने लिए को, फिर तब तक शायद वो भी आएगी, वो लगता मुझे घर से ही लंच करके आएगी। तो चलिए अभी देखते हैं क्या बनाना है, आसान सा कुछ बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है पुलाव ही बनाना पड़ना मुझे। तो गाइस अभी मैंने पुलाव बनाने की तैयारी कर ली है, आज मैं बनाने वाली हूँ घी का पुलाव, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। तो ये मैंने प्याज और टमाटर यहाँ कट कर लिए हैं, कुकर भी चढ़ा लिया है, तो फटाफट से बना लेती हूँ अभी, देखते हैं कैसा बनेगा। गाइस अभी देखिए पुलाव बन के रेडी है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालना है, ये देखिए घी भी डालते हैं ज़रा। तो अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है, मैं फर्स्ट टाइम ही आज घी का पुलाव खाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है गाइज, आप भी ट्राई करना अगर आपने नहीं बनाया है तो, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो मैं अभी फटाफट से लंच करती हूँ, मनु की कॉल आई थी, वो भी बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। गाइज अभी वो हल्ले वाली लड़की पहुँच चुकी है। देखिए अभी पहुंच चुके हैं हमारे गेस्ट, कस्टमर भी बोल सकते हैं, गेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैं अभी खाना ही खा रही थी, अभी फिनिश नहीं हुआ था। और कैसे आप लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। देखिए एक लड़की ने पोस्टर अटैक कर लिया खाना खाना पर, लेकिन गेस्ट बेचारे बोल रहे कि हमने नहीं खाना, अभी खा के आए हैं, मनु नहीं खा के आई थी, मनु खा के आई थी पर फिर से खा रही है। ये लोग अपने फिगर का ध्यान रखते हैं। हाँ, इसकी तो शादी हो रही थी, ज्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए बिगड़ना। तो गाइस हमारे लिए यहाँ पर खातिर दादी खातिर दादी सॉरी चाय आ रही है, थोड़ा सा बैठना के लिए। तू भी देखिए यहाँ पे लगा है हिमांचली गिलास, वाटर वाटर लगा गाइस यहाँ पे देखिए। तो अभी हम चाय पियेंगे और हम खाएंगे भी। कैसी चाय बनी है? मैंने बनाई है गाइस, टेस्ट कर लगेगा। ये देखिए छोटी सी बिल्ली म्याऊ, और यहाँ पे हो रही है थ्रेडिंग। तो ब्राइडल को पूरा आनंद और कंफर्ट जोन को रखते हुए ध्यान में, उल्टा बोलू पर जो भी बोलू ठीक बोलू। ये देखिए यहाँ पे एक हंसते हुए तो चेहरे, राज गहरे हंसते हुए खिलखिलाते हुए स्माइल वाला चालू। गैस और रजनी जाट की थ्रेडिंग हो रही है, बाकी हम सब बच गए गाइस। अब हो रही है इसकी, तेरी तो हो चुकी है, अपनी को दिखाई नहीं। मैं बच गई, तो मेरी हो चुकी है, तो मैं अभी आपको दिखाई देती हूँ कितनी अच्छी हुई है गाइस, बहुत ही अच्छी हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये क्या हो गया पीछे से? मैं थक चुकी हूँ, तो मनु इधर मेरी हेल्प कर रही है अभी थोड़ा सा साफ करने में। अभी मनु की थ्रेडिंग हो चुकी है, तो मनु की शक्ल भी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी कहना क्या चाहता है, मैं अच्छी नहीं हूँ। नहीं अच्छी तो है, लेकिन और थोड़ी सी अच्छी लग रही है, खूबसूरती में चांद मतलब, हाँ लग गया। तो गाइस अभी आप देख रहे हो शाम हो गई है और धूप भी जा चुकी है, उधर उधर से रह गई थोड़ी, बस हमारे घर के पास जा चुकी है धूप। रजनी उधर बैठी हुई है, ये हमारी कैसी गंदी शक्ल हो गई आज,
हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ऑयली ऑयली स्किन हो गई मेरी। बहुत काम किया है ना, बहुत काम। ये लोग जा रहे हैं घर, बाय बाय, मिलते हैं शादी में शालू। ओके हम तो और ये आएंगे फिर से अभी। दो इधर उधर वाली, हम शादी में मिलेंगे। ओके बाय बाय। तो ये देखिए गाइस, आज भी इसने काफी सारी रील्स बनाई है, तो देख लेना, देखना। ठीक है बाय, मिलते हैं गाइस परसों चौथे तक फिर से, और फिर मिलेंगे हम शादी में, फिर आपको शादी दिखाएंगे कि कैसी कैसी हुई। तो अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।